अस्सलाम वालेकुम। अब हमने जो है आयत आई थिंक 98 तक कर ली थी, 99 तक, तो अब 100 से स्टार्ट कर देते हैं। या ये लजीना आमनु इन तुती उ फरीकम मिन लजीना उतुल किताब या रुद्दू कुम बाद ईमान कुम काफिर। ए ईमान वालों, अगर तुम इन ग्रोहों की यानी कि अहले किताब में से एक ग्रोह की अगर तुम पैरवी करोगे तो वो तो तुम चाहते हैं कि तुम ईमान अपना छोड़ के काफिर वाला रास्ता अपना लो। व कैफ तकफुरून, और तुम किस तरह कुफर करोगे। व अंतुम हो तुम तुतला अलैकुम, जबकि तुम पे पढ़ी गई हैं अलैकुम तुम पर आयातुल्लाही अल्लाह की आयतें। व फ़ीकुम रसूलू, और तुम में तो रसूल भी मौजूद है। व मैं याते सिम पर पस, जो जिसने भी मजबूती से थाम लिया बिल्लाही अल्लाह को, फ़कत तो वो हुदिया हदायत पा गए, इला सिराते मुस्तकीम सिराते मुस्तकीम की तरफ। या अय्युल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लेकर आए, इत्तकू अल्लाह से डरो, हक का तुकाती जिस तरह के डरने का हक है। वला तामुतुन्ना, तो ना तुम मरना, इल्ला मगर ये व अंतुम मुस्लिमून कि तुम मुसलमान हो, कि तुम मुस्लिम हो, फरमाबरदारी की हालत में मरो। व तासिमु बिहब्लिल्लाह, तो तुम मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को, जमीयन तुम सब के सब। वला तफर्रकू, तो ना तुम तफर्के में पड़ना, फिरकेबाजी में पड़ना। वस्कुरु नेमत अल्लाह, तो तुम याद करो अल्लाह की नेमत, अलैकुम जो तुम पर की गई थी, इस कुन तुम जबकि थे तुम, अदाअन फअल्ला फबैना कुलूबिकुम फअसबहतुम बिनेमति अख्वाना। देखें ये अल्लाह ताला बता रहे हैं मुसलमानों को कि अल्लाह की मजबूती को यानी कि अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लो, ताकि तुम किसी और किसी फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना। और अल्लाह ताला साथ ही अपनी नेमतें भी याद करवा रहे हैं कि देखें जिस तरह बदर का वाक़या हुआ और जिसमें किस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसे कि उसके हक डरने का हक है। तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तरफ़रके में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए, और उसके फजल व करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक घड़े के किनारे खड़े थे, तो अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे सामने रोशन करता है। इसका मायने क्या होगा, यानी इस घर में ऐसी सही अलामत पाई जाती हैं जिनसे साबित होता है कि अल्लाह की जनाह में मकबूल हुआ है। यानी कि 2500 बरस तक जाहिलियत के सबब से सारा मुल्क अरब जो था इंतहाई बदअमनी की हालत में मुबतला रहा, मगर इस फसाद भरी सरजमीन में काबा और इतराफ़ काबा ही का एक खिता ऐसा था जिसमें अमन कायम रहा। बल्कि इसी काबा की ये बरकत थी कि साल भर में 4 महीने के लिए पूरे मुल्क को इसकी बदौलत अमन में असर आ जाता था। फिर रबी नस सदी पहले ही सब कुछ देख चुके थे कि इब्राहिम ने जब काबे की काबे को ख़त्म करने के लिए आया था मक्का में, तो उसकी फ़ौज किस तरह कहरे लही की शिकार हुई थी। इस वाक़े से उस वक्त अरब का बच्चा बच्चा वाकिफ़ था, और उसके चश्मदीद शाहिदान आयात के नज़ूल के वक्त मौजूद भी थे। तो अल्लाह की रस्सी से मुराद इसका दीन है, और उसको रस्सी से इसलिए तबीर किया गया है कि यही वो रास्ता है जो एक तरफ अहले ईमान को अहले ईमान का ताल्लुक अल्लाह से कायम करता है, और दूसरी तरफ तमाम ईमान लाने वालों को आपस में जोड़कर एक जमात भी बनाता है। तो अहले करताब से मुराद यहूदी हैं। देखिए ना, अल्लाह ताला मुसलमानों को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह की नेमत भी तुम पे की कि तुम सब जो थे आपस में जो है वो भाई भाई बन गए। हद्दान वाला खा के हम आग के घड़े में थे, उसके करीब थे, तो अल्लाह ताला ने किस तरह हमारी मोहब्बतों में डाल के मोहब्बत डाल के, तो किस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरक्की दी, गज़वाए बदर में भी मदद की, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है महाजिर अंसार का किस्सा भाई भाई का जो रिश्ता था, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको, हालांकि इनके आपस में जो है बहुत सारे कबीले थे जिनकी आपस में दुश्मनियाँ भी थीं, लेकिन इस्लाम की वजह से वो सब जो हैं वो एक जमात का हिस्सा बन गए और आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वल ताकुम मिनकुम मतुना इलल खैरी वैया मुरुना बिलमरू वैन हऊना निल मुनकर वलायका मुल मुफलिहून।
तला तला कहें तुम्हें चाहिए कि तुम्हें से एक उम्मत हो, यद उन अल खैरी जो कि खैर की तरफ बुलाए, वह या मरू ना बिलमरूफ़ और वो भलाई का हुक्म दे, वही नहाओ ना और वो रोके, अनिल मुनकर मुनकर मुनकरात यानी कि बुरे काम उसे रोके और अच्छे काम की वो तरगीब दे, उलाए का उमल मुफलिन, तो यही फलाह पाने वाले हैं। तो मतलब कि हमें और आपको ऐसी जमात का हिस्सा होना चाहिए कि जो कि लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने बुलाएं और उनकी तरगीब दिलाएं, और जो बुराई का रास्ता है उसकी जो है उसका वो भी वाजिया करके बताएं ताकि लोग जो हैं उससे बचें। वला ताकुनु कल्लज़ीना तफर्रक वख्तलफ मिन बाद मा जाअहुम बिलबय्यिनात लाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कहीं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फ़िरकों में बट गए और खुली खुली वाज़ह हदायत पाने के बाद फिर इख्तिलाफ़ में मुबतला हो गए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो उस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे जबकि कुछ लोग सुर्ख रूह होंगे और कुछ लोगों का मुँह काला होगा। देखें इसमें ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आपके पास हिदायत आ गई है, किताब आ गई है, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, आग और बादल का रास्ता आ चुका है, तो फिर तुम आपस में क्यों फिरकाबाजियों में क्यों पड़ जाते हो। अल्लाह ताकुन कल्ला दीन तफर्रक व वख्तलफ मिन बाद मा जाअहुम बिलबय्यिनात, जबकि रोशन निशानी आ चुकी है, हक और बातिल का रास्ता आ चुका है, कुरान मजीद आ चुका है, तो फिर क्यों आपस में फ़िरका वारियत करते हो। लाइकल हो तो इनके लिए अजाब अजीम है, यौमा तब यद वजूह, तो उस क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे, वजूह व तस्वद वजूह, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो कि स्याह होंगे और कुछ जो होंगे वो बिल्कुल रोशन होंगे। व तब यद कुछ चेहरे रोशन होंगे, व तस्वद वजूह और कुछ चेहरे स्याह होंगे। फमल लजी नस वदत वजूह अकफर तुम बाद ईमान कम फसू कल अजाब इमा कुन तुम तकफरून, तो रहे वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें फरमाएंगे वो लोग जिनके अच्छा, तो वो अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि क्या तुम ईमान ही क्यों, क्या तुमने कुफ्र अख्तियार किया ईमान लाने के बाद, और जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफराना रविश इख्तियार की, अच्छा तो अब इस कुफराने नेमत के सिले में अजाब का मज़ा चखो। वमल्लज़ीन नबयद्दत, और जिनके चेहरे रोशन होंगे, वजूह उनके चेहरे, फ़फ़ी रहमत अल्लाह, तो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फ़ीहा खालिदीन, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तिल का आयतुल्ला ही, तो ये अल्लाह ताला की आयतें हैं, नतलूहा ये तलावत की जाती हैं, लेका आप पे बिलहक हक के साथ। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो उनको अल्लाह के दामन रहमत में जगह मिलेगी और वो हमेशा उसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह के इर्शादात हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। देखिए अल्लाह ताला नहीं चाहता जुल्म करना, लेकिन हम ही अपनी जानों पे जो है वो जुल्म कर रहे हैं। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए जो कुछ ज़मीनों में, जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। देखें समावात जो है ना, ये आसमान की जमा है, इसका मतलब ये है कि आसमान बहुत सारे हैं, जिसमें सात आसमान हमने पीछे भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने ज़मीनें आसमान बनाए हैं, इसी तरह ज़मीन है, ज़मीन एक ही है, हाँ उसकी लेयर्स हैं, जिस तरह एक और लेयर हमने पढ़ी जिसके अंदर मैग्मा होता है, मेल्ट फॉर्म के अंदर जो है, और फिर इस तरह काफ़ी जो है आगे से लेयर हैं, क्रस्ट है ऊपर वाली ज़मीन, तो लेयर ज़मीन की काफ़ी है, लेकिन एक ज़मीन है जिसकी आगे से लेयर्स हैं, तो आसमान है, तो जिस हमने पीछे भी पढ़ा था अल्लाह ताला ने सात आसमान जो है, सात दिन में जो है ना आसमान और ज़मीन पैदा किए, तो इसलिए आसमान जो है ना ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जमा आई है, और अर्थ जो है ना एक है, तो इसलिए इसकी जो है ना सिंगल फॉर्म। वलिल्लाहि तुर्जउल उमूर, और अल्लाह की तरफ ही सारे मामला जो हैं वो जाएंगे उसी के पास, ज़ाहिर बात है सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, जो भी इंसान सब उसके अल्लाह ताला के पास हम जाएंगे। कुन तुम खैरन उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरन, कुन तुम खैरन उम्मतिन, अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिसे इंसानों की हदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया। ओहो ये देखें ज़रा, कुन तुम, ये अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि कुन तुम खैरन उम्मतिन, अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया है, कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम उम्मत खैर हो, उखरिजत लिन्नासि, जो लोगों के लिए निकाली गई हो। देखिए अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया है, हमें क्यों सेलेक्ट किया है, ताकि हम लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, हम उम्मत है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अब अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है
कि अब हम ना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम खैर खैर की उम्मत उसी वक्त कहलाएंगे जब हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि तुम जो बेहतरीन ग्रो हो, क्यों? क्योंकि जिसे इंसानों की अल्लाह ताला ने, अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रो तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और फलाह के लिए मैदान में लाया गया, उखरी जत जिसको निकाला गया दूसरे लोगों के लिए। अब जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान, वो मुसलमान कह रही हूँ, मुसलमान भी, हालांकि मुसलमानों को भी नहीं अब इतना पता कि शरीयत के क्या अहकामात हैं, लेकिन अगर आप दूसरी पूरी दुनिया के ऊपर आप एनालिसिस करें तो कितने अभी लोग हैं जिनके जिनको पता भी नहीं है रसूल सल्लम के बारे में और कुरान पाक के बारे में, उसके अहकामात के बारे में। अब आप देखें ना, आप बर आज़म देखें, आप अफ्रीका को देखें, अफ्रीका में कितने सारे मुल्क हैं जहाँ पे इस्लाम या रसूल सल्लम और उसकी किताब का इल्म है या नहीं है। इसके ऊपर आपकी रिसर्च बनती है कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ जिसको इस्लाम का भी नहीं पता, खुदा के रसूल सल्लम का भी नहीं पता और हमारी कुरान मजीद की आयत का भी नहीं पता। फिर आप रिसर्च करें यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर आप रिसर्च करें अरब के ममालिक में भी, हालांकि अरब के ममालिक में तो मोस्टली को पता है ना क्योंकि हमारे रसूल सल्लम आए ही वहाँ पे थे, अरबों को तो पता है। लेकिन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाएं जहाँ पे लोग पानी और खुराक के लिए तरस रहे हैं, जंगलों में वो रहते हैं, फिर आप देखें इस तरह यूरोपियन के भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नहीं पता रसूल सल्लम के बारे में, और जो है अगर पता भी है तो कुरान मजीद का नहीं पता, कुरान मजीद में क्या अहकामात हैं वो नहीं पता। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम पैगाम पहुँचा दें, हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, बाकी उनकी मर्ज़ी है वो कर, क्योंकि ताकि वो आखिरत में ये ना कह सकें कि आपका अल्लाह आपका पैगाम हम तक नहीं पहुँचा था। इस तरह अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी चले जाएँ जिसमें आपका थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया तो चले मुसलमान ममालिक है ना वो, तो बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद वो हमसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग है, उनका जो है इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम देखें वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो है इंडोनेशिया में भी, वो भी हमारा मुसलमान ममालिक है। तो इस तरह आप वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, और इस तरह अगर आप सारे वो वाले जापान जो है, इस तरह फिलिपाइंस हैं, तो इस तरह के इलाकों में भी जो है ना, और भी पूरी दुनिया में काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर जो है अल्लाह और उसके रसूल का जो है पैगाम हमें पहुंचाना है। तो खान तुम खैर उम्मत अखरा जित लिना से तामुर उना बिलमरू, तो तुम ही हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन को जो तुम्हें इंसानों की हिदायत और फलाह के लिए मैदान में लाया गया, तामुर उना बिलमरूफ तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनहो ना अनिल मुनकर और बदी से रोकते हुआ, तुम इन उन्ना बिल्लाह और अल्लाह पर ईमान रखते हुआ, लो आमना अहलुल किताब लका न खैर अल्लाहुम, ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक़ में बेहतर। देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये ईमान लेकर आते अहले किताब तो इनके लिए बेहतर था, मिनहुमुल मोमिनून, अगरचे इनमें से कुछ लोग ईमानदार भी हैं। देखिए अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है, जो चीज़ है उनके अंदर वो अल्लाह ताला ने वाज़ेह की है, जहाँ इनकी बुराइयों का जिक्र किया वहाँ पर इनकी अच्छाइयों का भी, अल्लाह ताला कह रहे हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ईमानदार हैं लेकिन उनकी जो अक्सरियत है वो फासिक है। लाइन या इसलिए तो जो छोटे थोड़े से ईमान लाने वाले हैं तो वो अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ बुला भी लेते हैं। हमने देखा ना यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसे बहुत सारे ईसाई जो हैं, और जापान में भी आप देख लें, उनकी तरफ जब हक पहुंच रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें, मुसलमान वो हो रहे हैं, वो अक्सर हमल फासिक, लेकिन अक्सर ये जो इनके ना वो फासिक है। लाइन या रुकम अल्ला अज़ा हुआ इन यू कातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम अला युनसारून, 111 आयत है। तो इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ सता सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो काफ़ी लोग हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हाँ हमें तंग ज़रूर कर सकते हैं। वह इन यू कातिलुकुम युवल्लुकुम अदबार, और जब क्या करेंगे, जब तुम इनसे लड़ने के लिए आओगे तो ये अपनी पीठें फेर लेंगे, सुम अल्ला युनसारून, तो अगर ये तुमसे लड़ें तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद ना मिलेगी। देखें अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि मुसलमान कितनी बहादुरी से लड़ता है। मुसलमान जब जंग में जाता है तो उसको पता है कि मुझे वो मौत से नहीं डरता, वो मौत को हथेली पे लेके जंग के मैदान में उतरता है, और बल्कि तवक्का करता है, बल्कि उसकी तो उम्मीद होती है, उसकी तो ख्वाहिश होती है कि मुझे यहाँ पे मौत मिले, मेरी शहादत हो यहाँ पे। तो हमारे माइंड में, मुसलमानों के माइंड में शहादत का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो शहीद है वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है, और उसको जो रिस्क मिल रहा होता है और जो उसके दर्जात होते हैं जन्नत में, तो वही जानता है, बल्कि उसकी तो अल्लाह ताला ने, हम आयत आगे भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद तो कहता है कि अल्लाह ताला तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज, मैं दोबारा लड़ूँ तेरे रास्ते में और दोबारा मुझे ये मुकाम मिले।
तो शहीद की, तो इसलिए तो हम तो हथेली में जो है मौत को लेके जंग के मैदान में उतरते हैं, लेकिन जो काफिर हैं वो उनके दिलों में ये चीज़ें नहीं होती, ना उनको इस तरह की कोई उम्मीद होती है, तो इसलिए जो उनकी हिम्मत होती है ना वो कमज़ोर होती है और वो मौत से भी डरते हैं। इसलिए तो आजकल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया हुआ है, टेक्नोलॉजी से कर लें कितना कर लेंगे, मैदान में जब आएंगे तो फिर पता लगता है कि असल बहादुर कौन है। दूसरी बात, अब आप अफ़गानिस्तान में देख लें, अफ़गानिस्तान की सादगी देख लें, उनकी गुरबत देख लें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने सादा लोग और इतने एजुकेटेड भी नहीं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं और उनके पास इतने वसाइल भी नहीं, अमेरिका जो कि एजुकेटेड है साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर और उनका डिफेंस इतना अच्छा है, पूरी दुनिया को उसने यरगमगाल बनाया हुआ है, उसने हर, आप सारे देख लें किस तरह अमेरिका ने वियतनाम को ख़त्म किया, फिर इराक को ख़त्म किया, फिर अफ़गानिस्तान को ख़त्म किया, फिर उसके बाद अमेरिका का आप देख लें मतलब कहीं इस पूरे दुनिया में उसका तसल्लुत रहा है। तो अब आप देख लें कि उस वो अमेरिका जो है वो जो है घुटने से टेक लें अफगानियों के आगे जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो ईमान की दौलत थी उनके पास और वो लड़े हैं आखिरी दम तक, तो इतनी कि वो आज उनकी हुकूमत है और वो अमेरिका को कुछ भी नहीं समझते और उन्होंने उसको निकाला भी है वहाँ से। और वो जो मुआहदा हुआ है 2015 में आई थिंक या 16-18 में अफगानियों का कतर के थ्रू अमेरिका के दरमियान में, तो वो भी आप देख लें, अमेरिका जो किसी को समझता नहीं है, मुआहदे के भी काबिल नहीं किसी को समझता, तो उसको मजबूरन जो है मुआहदा करना पड़ा है तालिबान के साथ, क्यों इस पर आप गौर कीजिएगा। तो दुर्री बत अलैहि मुज़िल्ला तो ऐना मा तू सुकिफु इला बि हबल मिनल्ला व हबल मिनन्नास वबाउ बि गदाबि मिनल्ला व दुर्री बत अलैहिम मस्कना ज़ालिक भी अन्नम कानू यकफुरून भी आयत इला व यकतुलून अल अंबिया बिगैरिल हक ज़ालिक भी मा असौ व कानू यतदून दूरी बतलाई मुज़िल्ला तू। तो फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद ना मिलेगी, ये जहाँ भी जाएंगे इन पर ज़िल्लत की ज़िल्लत ही मारी जाएगी। तो देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऊपर ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। आई ना मा सूकिफ़ु इल्ला हबल मिनल्ला, कहीं अल्लाह के ज़िम्मे या इंसानों के ज़िम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है। वही ना, इनके ऊपर ज़िल्लत ही ज़िल्लत है इन काफ़रों के ऊपर। अब यहूदियों को भी देख लें, इनको भी अल्लाह ताला ने ज़लील ही किया हुआ है, इन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते से भी रोका। तो अब आप देख लें कि इनको जो हिटलर है उन्होंने कितने आधे से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल किया, तो अल्लाह ने इनको ज़लील ही किया ना, फिर कत्ल भी किया, फिर इनके घर बार इनके जान माल सब छीन लिए इनसे। और इनका हैकल सुलेमानी का भी वो देखें, उस वक्त भी जब था वक्त जिसका याद नहीं है, उसने भी जो है हैकल जो था हैकल सुलेमानी उसको तबाह कर दिया और इनको वहाँ से फ़लस्तीन से निकाल दिया था। तो ये फिर पता नहीं दुनिया के कोनों में बिखर गए थे। फिर आप हिटलर का वाकया देख लें, होलोकास्ट देख लें, फिर उसके बाद अगर देखें उनके बाद जो है ये कहाँ कहाँ रहते रहे, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों पर ये रहते रहे हैं, लोगों के जो गैर मुस्लिम हैं उनके अंडर ही रहते रहे, इनकी अपनी कोई जो थी हुकूमत नहीं थी इनका अपनी, बल्कि इनके पास तो ज़मीन भी नहीं थी रहने की। ये तो अब आके इन्होंने जो है बालफोर डेक्लरेशन जो हुई है 1917 में वर्ल्ड वार वन के थ्रू, जिसमें खिलाफत उस्मानी को ख़त्म किया गया और जो है यहूदियों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन में बसाया गया है। तो इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है अगर आप पढ़ें, तो किस तरीके से जो है आजकल हमें नज़र आ रहा है कि ईसाई और यहूदी इकट्ठे हैं और किस तरीके से अब इनको एक ज़मीन का एक टुकड़ा मिला हुआ है, और अब आप देख लें वो तरक्की करते जा रहे हैं। आप इसराइल की हिस्ट्री के ऊपर सर्च करें, आपको समझ आ जाएगी। और आज वो कायम है, आज उसकी वो टेक्नोलॉजी में नंबर वन है, उसकी एग्रीकल्चर आप देख लें, पानी का निज़ाम देख लें, हर चीज़ में वो नंबर वन और बेस्ट पे जा रहा है। और अपने और उन्होंने मस्जिद अक्सा का आज आप टीवी न्यूज़ अल जज़ीरा पे देख रहे होंगे, एक दिन आएगा तो देख लीजिएगा, उस दिन हैकल सुलेमानी उन्होंने बनाना है, जिस तरह हमारा काबा है उनका हैकल सुलेमानी है, तो वो उन्होंने बनाना है वहाँ पर जरूरी बात। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके ऊपर देखें किस तरह ज़िल्लत, इनके ऊपर ज़िल्लत ही ज़िल्लत थी और इनको कहीं भी जगह नहीं मिली, हाँ लोगों के साए तले ही मिली इनको, अगर मिल भी गई है तो अल्लाह के ज़िम्मे या इंसानों के ज़िम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है। दूरी बत अलैहिम, वही ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मिन नास अब्बा भी कहता मैंने वह दूरी बत अलैहिम मुस्क, और इनके ऊपर अल्लाह ताला ने मस्कनत मतलब, और अल्लाह ने इनको
मोहताजी और मगलूबी मुसलत इनके ऊपर कर दी। ज़ालिका भी अन्नहु कानू यकफुरूना भी आयत, क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। वह यक़्तुलूना अल-अंबिया, और अनबिया को कत्ल भी किया इन्होंने, बगैर हक के, हक भी नहीं, बगैर हक के उनको, नाहक उनको कत्ल किया अनबिया को। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, तो ये आयात से कुफ़्र करते हैं, इन्होंने पैगम्बरों को नाहक कत्ल किया, ये इनकी नाफरमानी और ज़्यादतियों का अंजाम है। लैसु सवा मिन अहलिल किताब उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाह आना अल-लैल व हुम यस्जुदून, 113 आयत है। मगर सारे अहले किताब यकसानी है। देखिए जहाँ जहाँ अहले किताब की कोई खूबी है तो अल्लाह ताला ने उसको वाज़ेह किया है, जिस तरह हमने पहले पीछे भी पढ़ा कि अहले किताब में से कुछ ऐसे लोग हैं इनको अगर मैं ढेर दिनार दूंगी तो वो वैसे का वैसा मुझे दे देंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं एक भी दूंगी तो वो मुझे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि गैर उमियों यानी गैर यहूदियों के ऊपर हमारा जो है ना, हम उनके ऊपर हक रखते हैं, उनके ऊपर ज़्यादती करें जो मर्ज़ी करें, हम पे कोई बाज़ पुरस नहीं होगी। ये उनका कंसेप्ट है यहूदियों का। और दूसरा ये कि वो क्या कहते हैं, मगर लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने तारीफ भी की जो लोग अच्छे थे, और अल्लाह ताला ने कहा भी, अभी भी हमने पीछे पढ़ा था जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कि ईमानदार हैं और कुछ, लेकिन अक्सरियत उनकी फासिक है। मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयात पढ़ते हैं। देखिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों का भी जिक्र करें अहले किताब में, कितने अच्छे लोग हैं वो, कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयात पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा रेज होते हैं, अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये साले लोग हैं, जो नेकी भी ये करेंगे उनकी नाकदरी ना की जाएगी। अल्लाह परहेज़गार लोगों को खूब जानता है, रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में इनको ना उनका माल कुछ काम देगा ना औलाद, और वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। लैसु सवा अन, नहीं है बराबर, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, उम्मतुन, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, क़ाइमतुन, जो कि राह रास सीधे रस्ते पर कायम है, यतलून आयातिल्लाही, जो अल्लाह की आयतों को तिलावत करते हैं, अनाल लैल रातों में, वहम यसजुदून, और सजदे भी करते हैं, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिलाही अल्लाह पर, वलयौमिल आखिर, और आखिरत के ऊपर भी उनका यकीन है, वयामुरूना, और वह हुक्म देते हैं, बिलमारूफ़ नेकी का, वनहुना, रोकते हैं, अनिल मुनकर मुनकरात से, बुराई से, वही सारी ऊना, और वो तो वो दो करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर खैरात, भलाई के रास्ते में, वो लाइक हम सालीन, यही लोग जो हैं नेक भी हैं, वमा यफ़ालू, नहीं अल्लाह ताला मिन खैरिन, वमा नहीं यफ़ालू वो करते हैं, मिन खैरिन खैर, फलन युक फ़रूह, वमा यफ़अलु मिन खैरिन, तो जो कुछ भी वो अमल करेंगे खैर में से, फ़लन युकफ़रूहु, तो अल्लाह ताला उसकी नाकदरी नहीं करेगा, वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमु बिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तो परहेज़गारों को खूब जानता है, इन अल्लज़ीना काफ़रु, लेकिन रहे वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, ला तुगनी, या नहीं काम आएगा उनसे, अम्वालहु अम्वालुहु, उनके माल वाला, औलादु, ना उनकी औलादें, मिन अल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में शैया कुछ भी, ना उनके माल काम आएंगे ना उनकी औलादें काम आएंगी, लाई का साबुन नार, ये आग के साथी हम फिया खालिदुन, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये 116 आयत है, इसमें अल्लाह ताला देखें जिक्र कर रहे हैं कि काफरों से उनका माल और औलाद कुछ भी, कोई भी नहीं बचा पाएगा। और जिस तरह अहले किताब में से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के बारे में बताया कि किस, देखें वो किस तरह रातों को इबादत भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, नेकी का हुक्म भी देते हैं, आखरत पर यकीन भी रखते हैं, अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं, तो इन्हीं में लोगों में से फिर अल्लाह ताला क्या पता, अल्लाह ताला इनको हदायत भी दे दे, यही लोग इस्लाम भी ले आए। मसलुमा युनफिकुन फ़िल हयात दुनिया का मसली रीहिन फ़ीहा सिरुन असाबत हर साकौ में ज़ालमु अनफुसहुम फ़अहलकतहु वमा ज़ालमहुमुल्लाह वलकिन अनफुसहुम यज़लिमून, 118 आयत है। जो कुछ
वो अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करें, उसकी मिसाल उस हवा की सी है। आप देखें पीछे हमने पढ़ा ना काफ़ी लोग, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो काफिर हैं अगर कुछ खर्च भी कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मासलो मायूफी जो भी ये खर्च करते हैं दुनिया में, तो इनकी मिसाल ऐसी है कि हवा सी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया और उसे बर्बाद करके रख दे। तो अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। देखिए एक खेती है जिसमें सारी लहलहाती खेती, जब उसको हवा पहुँचे सख्त जो उसकी सारी खेती को तबाह बर्बाद कर दे, तो ऐसी मिसाल है इन जालिमों की। मासल माँ इनफिकुना जो इनके खर्च करने की, तो वो ज़ाया हो जाएगा जो भी इन्होंने खर्च किया है। मासल माँ इनफिकुना फ़ी हाज़िर ही दुनिया, मिसाल उनकी जो खर्च करते हैं इस दुनिया में, का मसली रही जैसे कि हवाओ फ़ी हा उसमें सिरुन जिसमें सिरुन असाबत पहुंची हर सुध, जब उस खेती को पहुंचती है कौम ज़ालिम जिन्होंने जुल्म किया अनफुसम अपनी जानों पे, यानी ज़ालिम लोगों की खेती पे जब वो हवा आती है फाहलक, तो वो उससे उस खेती को तबाह बर्बाद कर देती है। वमा ज़ालमहुम अल्लाह, अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया, वलाकिन लेकिन अनफुसम यज़लिमून वही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, तो इनका खर्च किया हुआ ऐसे जो है ज़ाया हो जाएगा, कोई अजर नहीं मिलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जबकि वो लोग जो ईमान लेकर आए, ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ। देखिए जी पहले भी हमने पहले भी पढ़ा था, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने मोमनों से दोस्ती रखनी है, काफिरों से को अपना दोस्त नहीं बनाना, मतलब तो दिली राज नहीं अपने उससे शेयर करनी। यहाँ पे भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लेकर आओ तुमने अपने दिली राज नहीं शेयर करने, तुमने अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों से अपना राज नहीं शेयर करना। ला यालू ना कुम खबाला, वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फ़ायदा उठाने में नहीं चौंकते। देखें अल्लाह ताला खुद हमें देखें हमें चुकन्ना में कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं खबरदार कर रहे हैं कि वो तुम अगर तुम बताओगे तो वो तो तुम्हारी आगे बैठे हुए कोई मौका मिले तो हम इनके लिए इनकी तबाही और बर्बादी का कोई प्लान बनाएं। वद्दू मानी तुम कद बादे तिल बगदाऊ मिन अफवाहिम, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें जिस चीज़ से नुकसान पहुँचे वही उनको महबूब है। देखा कोई भी चीज़ नुकसान हमें देती हो मुसलमानों को तो उनको खुशी होती है, वो तो चाहते हैं, उनके दिल का बुगज़ उनके मुंह से भी, अल्लाह ताला कह रहे हैं इतना उनके दिलों में कीना और बुगज़ है कि उनके मुंह से भी टपकता है, और जो कुछ वो अपने सीनों में छोड़, लेकिन जो मुंह से जो उनकी नफ़रत आप देख ही रहे हो आप सुन ही रहे हो, लेकिन जो कुछ उनके दिलों सीनों में छुपा हुआ है वो उससे भी ज़्यादा शदीद तर है। वमा तुफ़ी सदूर हुकुम, जो अपने सीनों में वो छुपाएँ अकबर वो ज़्यादा बढ़ाया। कद भैया नालाकुम अलायात इन कुंतुम ताकिलून, वो इससे हमने तुम्हें साफ साफ हदायत दे दी अगर तुम अक्ल से काम लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हमें क्लीन नीट हमें क्लियर बता दिया है सारा कुछ, तो अब हमें चाहिए कि हम अपनी अक्ल से काम लें और अपने दोस्त और दुश्मन को जो है पहचाने। हाँ हाँ अन तुम ओलाई तो हिब्बू ना वलाई हिब्बू नाकुम, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हालांकि तुम तो उनसे मोहब्बत रखते हो और लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। वला तुम इन बिल किताब ही कुल्ली ही हम तुम उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम किताबें आसमानी को मानते हैं। इससे मुराद ये कि हम तुरात को भी मानते हैं, हम जबूर को भी मानते हैं, हम इंजील को भी मानते हैं, हम सारी किताबों पर ईमान लेकर आते हैं, उनके नबियों से भी हम मोहब्बत करते हैं, उनके नबियों को भी हम मानते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि वो नहीं तुमसे मोहब्बत करते, तुम मोहब्बत करते हो लेकिन वो नहीं तुमसे मोहब्बत करते, हालांकि तुम तो उनकी तमाम किताबें आसमानी को भी मानते हो। जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया, मगर जब वो जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उनके गैज़ और गज़ब का ये हाल होता है कि वो अपनी उंगलियाँ चुपाने लगते हैं, मतलब इतना उनको तुम्हारे दिल उनके दिलों में तुम्हारे लिए कीना और बोगज़ है कि अपनी उंगलियाँ चुपाते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में तुम जल मरो, अल्लाह दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। हाँ तुम ओलाए तो हिब्बू ना तो, हालांकि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वाला तो यू हिब्बू ना को, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। वह तुम मिनो ना बिल किताब, हालांकि तुम तो ईमान भी लाते हो उनकी किताबों में कुल्ली सब की सब। वह ईज़ा लाकू कुम, और जब ऐसे लोग तब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लेकर आते हैं। वह ईज़ा खालो, लेकिन जब वो अकेले होते हैं गद अदू अलैकुमुल अनामी लामिन अलगैज़, तो वो गुस्से के मारे अपनी उंगलियाँ चुबाते हैं तुम्हारे, इतना बुगज़ और कीना है उनके सीनों में। कुल तो आप कह दीजिए मुँह तो भी गई जी क्यों, अल्लाह ताला कह रहे हैं रसूल सल्लम को कि कहो कि तुम मर जाओ अपने इसी गज़ब गुस्से में। इल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों के राज जानता है। इन तम सब्स कुम हसना तुम, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें कोई नेकी पहुँचती है तसूहम, जब तुम्हें कोई खुशी मिलती है तुम्हारा भला होता है तो उनको बड़ा बुरा तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि इसको क्यों खुशी मिली है। वो इन तो सिर्फ जब हम मुसलमानों को कोई वो पहुंचती है ईमान लाने वालों को जो कोई मुसीबत पहुंचती है सही आत मुसीबत यफराहू बिहा, तो वो बड़े ही खुश होते हैं इसके ऊपर। वह इन तस्बीर वत तक, तो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि तुम सब्र करो
और परहेजगारवी का रास्ता अख्तियार रखे रखो। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो इनकी जो चैलेंज चालें हैं, जो प्लानिंग्स हैं हमारे खिलाफ, वो कुछ भी नहीं कर सकती, कोई नुकसान नहीं दे सकती। इन अल्लाह बीमा या मालूना मुहीत, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इलम रखे हुए हैं। अल्लाह ताला मैं कह रही हूँ तुम सब्र करो, अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। ये 120 तक हमारा रुकू ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह ताला फिर हम ना 120 के बाद से स्टार्ट करेंगे। एक सौ बीस